बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की यमी सी रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम लाए हैं। आज की इस रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे मटन दही चांपें। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार सी बनेंगी मटन दही चांपें। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हम किस तरीके से अपनी चांपें बना रहे हैं। फौरन से चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमने ली है 2 किलो चांपें। इसे हमने धो के रख लिया था, बिल्कुल साफ कर लिया है और अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमने ली है 1 अदद कढ़ाई। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमने ली है 1 अदद कढ़ाई जिसके अंदर हमने अपना मटन चांप बनाना है। तो हम वही बर्तन लेंगे जिसके अंदर बनाना है। आप चाहें तो अलग बर्तन ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि उसी बर्तन के अंदर आप इसे मैरिनेट कर दें। यहाँ पर देखिए, हमने इसके अंदर डाला है 1 किलो दही। फ्रेंड्स, एक घर की हमने दही जमा के रखी हुई थी, बहुत गाढ़ी दही है, ये डाली है। और अब हम इसके अंदर मसाला जात शामिल करते हैं। ये हमने इसके अंदर डाला है 1 खाने का चम्मच हसबे जायका नमक, आप डाल लीजिए। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर। 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर इसके अंदर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च पाउडर इसके अंदर हमने शामिल किया है। इसके अंदर हमने डाला है 1 चाय का चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1/2 कप सिरका। 3 to 4 टेबलस्पून चिली सॉस इसके अंदर डालेंगे एंड सेम 3 to 4 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन मसाला जात को दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दही के अंदर सारे मसाला जात मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास चांप है। 1 by 1 हम चांप को उठाएंगे, दही के अंदर मिक्स करते जाएंगे, मैरिनेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी मटन चांप दही के अंदर डाल दी हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, सभी जो चांप हैं दही के अंदर अच्छे से डिप हो गई हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 1 कप टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है, टमाटो पेस्ट ले लीजिए 1 कप। और ये देखिए, हमारे पास है 4 to 5 हमने ग्रीन चिलीज ली हैं, हरी मिर्चें ली हैं, इसे हमने क्रश कर लिया था। ये टमाटर के अंदर डायरेक्टली शामिल कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और 1/2 चाय का चम्मच ही हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, टमाटो प्यूरी के अंदर ये सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटो प्यूरी के अंदर जो हमने मसाला जात शामिल किए थे तैयार है, मिक्स हो गए हैं। और अब हम इसे मटन चांप के अंदर मिक्स कर देते हैं जो कि हमने अभी मैरिनेट करके रखी है दही के अंदर। और बर्तन को हम पानी से हल्का सा कंघाल लेते हैं, हम ज़ाया नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क है। और यहाँ पर टमाटो प्यूरी जो हमने इसके ऊपर डाली है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से। ये देखिए फ्रेंड्स, मटन चांप को हमने पूरे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था और अब हम इसे डायरेक्टली फ्लेम पर रख देते हैं। नॉर्मल फ्लेम रखेंगे और इसे पकाएंगे। हमने इसे कढ़ाई के अंदर ही मैरिनेट किया था और यही कढ़ाई हम चूल्हे पर रख देंगे और मटन चांप को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मटन चांप बनना शुरू हो गई है। दही ने पानी छोड़ा है और ये इसी पानी के अंदर मटन चांप गल जाएंगे। हम इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसे ढांप के रख देते हैं ताकि ये जल्दी से हीट अप हो जाए और इसे बॉईल आने लग जाए। एंड आपने वक्फे से चेक करते रहना है, हिलाते रहना है मटन चांप को। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद जब हम ढक्कन उठाते हैं तो मटन की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है।
इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और मटन भी पानी छोड़ रहा है, तो इसी पानी के अंदर ये गल जाएगा। फ्रेंड मटन दही चाम को पकने के लिए बिल्कुल अच्छे से जैसे तैयार होता है पूरे 45 मिनट लगेंगे। अगर आप कढ़ाई के अंदर गलाएंगे तो 45 मिनट के अंदर ये गल जाएगा। तो आप इसे ढांप के रखिए, वक्फे से चम्मच हिलाते रहिए। फ्रेंड्स हम वक्फे वक्फे से ढक्कन उठा के देखते रहेंगे और यहाँ पर देखिए मटन चाप के अंदर जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसे हम हिलाएंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़े से मटन चाप गल चुके हैं। तकरीबन पौना एक घंटा हमने इसे पकाया है और ये देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर ऑयल है। हमने इसके अंदर बिल्कुल कोई ऑयल घी नहीं डाला था, ये इसने अपना ऑयल निकाला है। मटन के अंदर जो भी ऑयल था हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये इसकी अपनी ग्रेवी बनी है। बहुत ही मज़ेदार सी मटन दही चाप तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा है, आप खाइए, ट्राई कीजिए इसे, आप फैन हो जाएंगे इस कुकिंग के। जिन फ्रेंड्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए फ्रेंड, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। एंड फ्रेंड्स आई नो आपको वीडियो अच्छी लगी, इसे जल्दी से लाइक एंड शेयर कीजिए। एडवाइजर कुकिंग आपके लिए इसी तरह से मज़ेदार सी यमी रेसिपी लाता रहेगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।